हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आईफोन से रिलेटेड उसके फाइल ट्रांसफर के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने आईफोन के फाइल्स को लैपटॉप और पीसी में भेज सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी पर आधारित है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर ये समस्या रहती है उन आईफोन यूजर्स की जो अपने फाइल्स को पीसी या लैपटॉप में नहीं भेज पाते हैं। एप्पल जो केबल बॉक्स में प्रोवाइड कराती है वो है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। दोस्तों, ये केबल सिर्फ स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए होती है, क्योंकि उसका जो टाइप सी पोर्ट है उसका हम इस्तेमाल लैपटॉप या पीसी में नहीं कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक साइड का टाइप ए होना जरूरी है। हालांकि मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। पहला तरीका है ये छोटा सा टाइप सी टू टाइप ए अडेप्टर। दोस्तों, यह अडेप्टर आपको किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। यह आपको 120 रुपए से लेकर 200 रुपए तक में मिल जाएगा। इस अडेप्टर को आपको अपने केबल के टाइप सी पोर्ट में लगा देना है और फिर यह बन जाएगा टाइप ए टू लाइटनिंग केबल। अब इस अडेप्टर को अपने लैपटॉप या पीसी में लगा देना है और लाइटनिंग पोर्ट को अपने मोबाइल में लगा देना है। मोबाइल में परमिशन देने के बाद यहाँ पर आईफोन का फोल्डर बन जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपको अपने फाइल्स यहाँ पर दिखने लगेंगे। जिस फाइल्स की जरूरत है आप उसको कॉपी करके डेस्टिनेशन वाले जगह पर पेस्ट कर दें। इस प्रकार से आपकी फाइल आपके लैपटॉप पे या पीसी पर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका फाइल को सेव करने का। दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट टाइप ए टू लाइटनिंग केबल खरीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी वाली केबल आपको 150 रुपए से 200 रुपए तक में मिल जाएगी। इसको भी बस उसी तरीके से यूएसबी पोर्ट में लगा के फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है वायरलेसली फाइल ट्रांसफर करने का। इसके लिए आपको sharedrop.io के साइट पर जाना होगा। वहाँ राइट साइड में प्लस के आइकन पर क्लिक करने पर QR कोड जनरेट हो जाएगा। अपने आईफोन के कैमरा को ओपन कर इस QR कोड को स्कैन कराएंगे और फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसके साइट पर चले जाएंगे। अब अपने मोबाइल से ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करके चूज फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक कर आप अपने पिक या वीडियो को सेलेक्ट करें और ऐड करने के बाद सेंड पर क्लिक करें। एक पॉपअप आएगा आपके लैपटॉप में, तो वहां पर आपको सेव पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका फाइल सेव हो जाएगा लैपटॉप में। तो दोस्तों, ये थे तीन तरीके आईफोन के फाइल्स को अपने पीसी या लैपटॉप पर ट्रांसफर करने का। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।